लिया जड़े अशोक धीरे चार नंबर जर्सी के साथ कितना तहलका मचाएंगे, चार नंबर जर्सी के साथ गए ये पार करवाएंगे जी आप रमेश्वर मरको बड़े मछली फंस गए भाई इस बार पौरी नर्मदा टी नर्मदा माँ नर्मदा पास में है तो बड़ी बड़ी मछलियों का फंसाने का एक्सपीरियंस उनके पास है पौरी और एक कौड़िया टीम है भाई ये टीम भी चैंपियंस टीम में से गिना जाता है एक कौड़िया टीम कौड़िया का खाता खोलता है नीचे कहा पर काफी अंदर तक प्रवेश परम आदर भाई साहब का आगमन हुआ काफी अंदर तक प्रवेश हो चुके हैं आपके पास क्षमता है ऊर्जा पावर यदि आपके पास है तो आप बोनस ले सकते हैं दिल खोल के ले सकते हैं लेकिन खाली पॉइंट एंट्री रेड है और इस बार फिर बैक टू बैक लेफ्ट रेडर गए हैं क्या करेंगे लेफ्ट कॉर्नर से काफी अंदर तक प्रेस हुए हैं और इतना चतुर चालाक जितेंद्र जोखिम लेना नहीं चाहते हैं निश्चित तौर पर एक बार फिर जबरदस्त यहाँ पर सेंटर के खिलाड़ी काफी और जबरदस्त यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखा जबरदस्त और वहां पर निश्चित तौर पर बॉडी टीम के जो कि अभी जो मुकाबला कर रहे हैं कोच के नेतृत्व कर रहे हैं परम आदरणीय भाई साहब तरेंद्र ध्रुव जी उसका बहुत बड़ा दायित्व रहता है जब खिलाड़ी खेल खेलते हैं एक एक अंक के साथ बराबरी पर क्या कहना चाहेंगे परम आदरणीय मेरी प्यारी बड़ी भैया जो कि नरेंद्र मरकाम के अगुवाई में रहा है पौड़ी टीम कौड़िया एक पौड़ी एक यहाँ पर है थोड़ी और कोरिया के मध्य में खेल चल रहा है छह डिफेंस में की बात में अभी और यहाँ पर डैश कर दिए गए हैं कोरिया के लीडर को कुछ पॉइंट मिलेगा कोरिया को तो कोरिया कोरिया जा पहुंची है तो अंकों में तो यहाँ पर छह डिफेंडर के साथ में थोड़ी समय अपने कोर्ट पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बढ़िया रनिंग हैंड कट करने की कोशिश यहाँ पर दावा किए हैं पॉइंट मिलेगा कोरिया को कोरिया जा पहुंची है तीन अंकों में तो बढ़िया खेल चलता हुआ कोरिया के दृष्टिकोण से कोरी एक और कोरिया तीन तो दो अंकों के बाद चुकी यहाँ पर पॉइंट मिलेगा कोरी को तो कोरी दो पर पहुंच चुकी है तो तीन दो से एक खेल चलता हुआ यहाँ पर एडवांस टैकल करने के चक्कर में गए एडवांस टैकल करने गए पॉइंट उठते बैठे कोरिया को तो कोरिया जा पहुंचा है चार अंकों पर तो चार दो से एक खेल चलता हुआ जिस तरीके से खेल चल रहा है कोरिया के दृष्टिकोण से बहुत ही सकारात्मक है खेल और इसे लगभग कहना चाहिए कि सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी कोरिया को चार नंबर जैसे कि साथ में अशोक पांच की डिफेंस में खेल रही है इस समय पौड़ी पॉइंट के तलाश में इस समय पौड़ी तो वहीं का लीडर पॉइंट के तलाश में देखना है संघर्ष करते हुए इस समय और एंटी रेट के साथ में वापस जाएंगे अपने कोर्ट पर तो चार दूसरे खेल चलता हुआ अभी भी कोरिया के पास में दो अंकों की लीड बनी हुई है तो नरेंद्र पौड़ी का रेडर स्टार रेडर माने जाते हैं वह प्रयास किया अपने आप को सेव किया और टोटल भी लेकर कोशिश है पॉइंट मिलेगा पौड़ी को तो निर्णायक महोदय का अंतिम निर्णय आना बाकी एक पॉइंट मिला पौड़ी को तो वही तीन चार से खेल चलता हुआ सात नंबर जैसे की बात करें पौड़ी की कोर्ट पे छह डिफेंडर्स मौजूद है दोनों कौन है आपके लिए धन्यवाद है परम आदरणीय भाई साहब यादव जी निश्चित तौर पर और जबरदस्त सेंटर के खिलाड़ी को टारगेट किया था रमेश्वर मरकाम जी बहुत बड़ा झटका लगा है भाई रमेश्वर मरकाम को वापस जाना पड़ेगा एक बार फिर नरेंद्र मरकाम जी का आगमन हुआ है और नरेंद्र मरकाम जी निश्चित तौर पर कामयाब हो गए और पॉइंट भी मिला है हाथा निश्चित तौर पर पौड़ी टीम को पौड़ी जापान का चार और कौड़िया पांच पांच चार के मध्य मुकाबला चलता हुआ इसके बाद जो मुकाबला होना है होगा भाई साहब तो ये फर्स्ट सेशन का ये लास्ट रेड होगा फर्स्ट सेशन का ये लास्ट रेड होगा यदि जबरदस्त यहाँ पर पीछे से जबरदस्त पकड़ नरेंद्र बाहुबली मरकाम जी का और ग्राउंड एक्सटेंड ग्राउंड पर बदल पहलवान इसे पलटवार करेगा कौन
इंडिया के कोर्ट में जाके ये समय ही बताएगा। नरेंद्र नरेंद्र बरकाम भी गए थे, काफी सेंटर के खिलाड़ी को टारगेट किया था, लेकिन चतुर चौलाव उतना ही चौकाने खिलाड़ी, सेंटर के खिलाड़ी अपने आप को बैकअप किया, निश्चित तौर पर सेफ्टी बचाए अपने आप ने, निश्चित तौर पर यहाँ पर नरेंद्र बाहुबली बरकाम रीत के हड्डी माने जाते हैं ये पौड़ी टीम के। नरेंद्र रेडर के राइट कॉर्नर में खेल रहे हैं सलवीर और नरेंद्र जैसे खिलाड़ी, और सेंटर में बाकू भी परमादानी भाजपा चन्नू और फिर रामेश्वर जैसे खिलाड़ी, चलेश्वर मराजी जैसे खिलाड़ी पौड़ी की ओर से दायित्व कर रहे हैं और कोच का नेतृत्व कर रहे हैं परमादानी भाई साहब सतीश भैयाम जी। भली बात जानते हैं दोनों ही टीम बराबरी अंकों पर है और दोनों ही टीम ऐसी अनुभवी टीम है जो कि अपने एरिया में जो कि और जबरदस्त यहाँ पर फाइनल रेडर को भगने का चांस ही नहीं मिला। निश्चित तौर पर एक बार फिर अच्छा पकड़ है कबर के खिलाड़ी द्वारा, निश्चित तौर पर पॉइंट मिलेगा कौरिया टीम को। कौरिया जब पहुंचा छह अंकों पर पौड़ी है पांच, एक अंक के साथ पिछड़ता हुआ पौड़ी टीम, लेकिन ये कहा नहीं जाता मेरे दोस्तों, ये प्रो कबड्डी का गेम है तथा समय में किसका पल्ला भारी रहेगा ये समय ही बताएगा जी हाँ। और भाई साहब माइक्रोफोन के माध्यम से अवगत कराए थे, लेकिन जबरदस्त पॉइंट मिलेगा कौरिया टीम को। माइक्रोफोन के माध्यम से विशेष सूचना और संकेत दिए थे भाई साहब, जो भी टीम अभी दूर दराज से आए हो यदि आपको रुकना होगा तो अपना वो लिस्ट भाई आके जमा कर सकते हैं ताकि आपके लिए हमारी समस्त सभी के भोजन की व्यवस्था किया गया है। और इस बार जलेश्वर मराबी बहुत बड़ा झटका लगा है मेरे दोस्तों, जलेश्वर मराबी जी को वापस जाना पड़ेगा निश्चित तौर से। चार करो सुपी करो काफी अंकों से यहां पर आगे कौरिया टीम, अंकों की तुलना करें तो अंकों का लेखिया दो अंकों की जीत के साथ यहां पर कौरिया टीम आगे है। चार अंकों के साथ यहां पर लीड पर है निश्चित तौर पर नरेंद्र बरकाम का आगमन हुआ, निश्चित तौर पर जबरदस्त अंदर गए थे और जबरदस्त वहां पर कॉर्नर के खिलाड़ी द्वारा जबरदस्त पकड़। क्या कहना चाहेंगे परमादानी प्यारे बड़े भैया यादव जी, जिस तरीके से मुकाबला चल रहा है पौड़ी अंकों की तुलना करें तो पांच कौड़िया दस, किस तरीके से यहां पर कौड़िया जबरदस्त प्रेशर बनाती हुई यहां पर सुपर टैकल ऑन है पौड़ी के लिए, तो देखना है अगर इस खिलाड़ी को दबोचते थे तो निश्चित ही दो अंक मिलेगा और यहां पर पॉइंट मिलेगा। कौड़िया दावा कर रहे हैं टू पॉइंट मिला कौड़ी को, टाइम बताएंगे दो मिनट 12 सेकंड का खेल शेष रह चुका है। तो दो मिनट 12 सेकंड का खेल बचे है तो दिया और यहां से काम ऑन होता हुआ चार नंबर रंजी के साथ में कौड़ी का रेडर कौड़ी की कोर्ट में पॉइंट की तलाश में पहले जबरदस्त पेशर डालती हुई कौरिया टीम और यहां पर पॉइंट की तलाश में टोटल करने का प्रयास और वहां पर जाने संभव गए वहां पर एंकर होल्ड किया गया, मिलेगा अंक कौरिया को और कौरिया जो पहुंचा है 11 अंकों में तो 4 अंकों को लीड है बना चुकी है इस समय कौरिया की टीम। दो डिफेंडर यहां पर पौड़ी के पास में और यहां पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, सुपर टैकल ऑन है आपके लिए निश्चित तौर पर इस खिलाड़ी को टैकल करते थे तो 2 अंक मिलेगा। अंतिम लम्हा में देखना है पौड़ी कमबैक कर पाती है नहीं, कौड़िया के 7 डिफेंडर्स 1:36 का खेल बाकी है अभी भी 4 अंकों की लीड है कौड़िया के पास में है, कुछ भी हो सकता है खेल अनिश्चितताओं का गेम। और यहां पर पौड़ी हैंड टच करने का प्रयास एमपी रेट के साथ में वापस जाएंगे रेडर पौड़ी के दो डिफेंडर के साथ में इस समय पौड़ी के रेडर और टाइम पास कर रहे हैं इस समय कौड़िया के रेडर पॉइंट की तलाश में जबरदस्त खेल चलता हुआ कौड़िया के दृष्टिकोण से और यहाँ पर अंतिम में लगभग में और यहाँ पे एमपी रेड और निश्चित तौर पर कौड़िया टीम के लिए चतुर चला के रेडर इस बार कौड़िया को किसी भी हालत में पॉइंट लाना होगा, अगर इस बार टैकल होते हैं तो 2 अंक और यहाँ पर 2 अंक मिलेगा जी हाँ कहीं आता में और यहाँ पर अंक मिलेगा जी हाँ संघर्ष कर रहे हैं और नंबर मिला तो अंतिम 22 सेकेंड का खेल इस खेल
के तुरंत बाद रामपुरी बनाम केलवाड़ा, दोनों ही टीमें तैयार रहेंगी अंतिम ढाई लास्ट रेड हो सकता है क्योंकि 22 सेकेंड का रेड बाकी था, देखना है। यहाँ पर टैकल कर लिए गए और इस तरीके से टाइम ऑफ होता हुआ, समय समाप्त होता हुआ यहाँ पर कोरिया की टीम अगले दौर में प्रवेश करती हुई। तो शानदार मुकाबला देखने के लिए मिले दोनों ही टीमों के बीच में।